इस समय मैं पंचायत भनपट ढोगड़ी में हूँ, जहाँ एक घर में भीषण आग लगी। आपको नहीं चला है कि किस कारण से ये आग जो है इस घर में लगी है, और अगर हम आग की बात करें तो आग की लपटें इतनी तेज हैं कि देखते ही देखते पूरे घर को जो है अपनी चपेट में ले चुकी हैं। आपको बता दें, मीलों दूर यहाँ से सड़क है, सड़क जो है एक गरीब परिवार है जिसका घर था पूरी तरह से गल जो है वो जल चुका है। तस्वीरों में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे गांव के लोग जो हैं यहां पर आग पर काबू करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, पर आग की लपटें इतनी तेज हैं देखते ही देखते पूरे घर को जो है अपनी चपेट में ले चुके हैं। और गांव की महिलाएं हों या पुरुष हों या बच्चे हों, पूरा प्रयास जो है वो इस समय कर रहे हैं कि इस आग पर जो है वो काबू डाला जाए, ताकि गरीब परिवार है इसका घर जो है वो बच पाए। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं और इस आग पर काबू डालने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवा महिलाएं पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरह आग को जो है वो बुझाया जाए, ताकि इस गरीब परिवार का घर जो है वो बच पाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव के जो लोग हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि इस घर के ऊपर जो मिट्टी है उसे जो है वो उतारा जा सके, और लकड़ी जो है उसे जो है वो बचाया जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव का बच्चा जो है यहां पर लगा हुआ है, ताकि आग पर काबू डाल आज जगह थोड़ी रहेगी। आप देखना सब देखा। यहाँ पे कोई भी रोड या वो पानी वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है, बहुत दूर एरिया, दूर दराज का एरिया है, तो अगर यहाँ पे रोड होती तो यकीन है यहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँच जाती, लेकिन इसके रोड ना होने की वजह से, रोड पानी ना होने की वजह यहाँ पे एक बोर्ड है, मतलब एक बोर्ड निकाली थी उस पर किसी कारण के वजह उसको बंद कर दिया गया है, वो बोर्ड बंद कर दिया गया। उसके बाद हमारी भीषण से रिक्वेस्ट है, अगर उस बोर्ड को चलाया जाए तो कम से कम ये सप्लाई तो परेशानी नहीं होगी, हमारी यहाँ कोई परेशानी नहीं। ये जो पानी इस वक्त आ रहा है ये एक चश्मे का पानी है, और दूसरे छोटी सी काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये लोग अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, और इस वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको कंट्रोल डाल दिया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग की लपटें जो है आस्ता आस्ता पूरे घर को जो है अपनी चपेट में ले रही है, पर गांव वालों का प्रयास जो है लगातार जारी है कि किसी न किसी तरह से आग पर काबू डाला जा सके। भनपत से गुलिस्तान न्यूज के लिए सनी शर्मा जी। आपका नाम? मेरा नाम सजाद है। सजाद, बताएं किस तरह से आग लगी है आपने, किस समय ये आग जो है वो लगी? तकरीबन 7 बजे। तो अभी तक आग पर जो है वो काबू नहीं डाला गया? काबू नहीं, एक तो रोड की कनेक्टिविटी नहीं है जी, दूसरा पानी भी नहीं जी। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रिया है, वो ढोकड़ी टैंक में डालेगी जहाँ से इधर पानी आता है, फिर वो पानी इधर पहुँचेगी। पानी की परेशानी है इधर बहुत, रोड भी नहीं है जी। तो कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पर अभी घर का? बेचारा गरीब आदमी है जी, मकान तो एक कच्चा मकान था, जल गया। आपका भी शुक्रिया, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है। तो दूसरी बात ये है कि इधर आप भी आए पैदल चल के, तकरीबन 1.5 घंटा लगा, तो रोड की वजह से बड़ी परेशानी है। वार्ड नंबर 2 है ये पंचायत बनवट, तो दूसरा लोग जो हमारे आप देख रहे हो अभी भी, लोगों ने बहुत हेल्प की है, तो तकरीबन 3 घंटे से ये पूरा गांव इकट्ठा हुआ, तो अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ, तो पानी जो आया अभी तक वो भी नहीं पहुंचा। यही हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, आप डीसी साहब तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाओ, रोड और पानी की परेशानी की वजह से ये इस गरीब आदमी का नुकसान है। बाबा कहना है तो सुना जी। मेरा नाम मोहम्मद जुबान, जैसे भी लग गई, लेकिन इतना ये पता नहीं चला कि ना इतना रोड ना इतना पानी, आज तक पानी नहीं कोई था, एक बोर न 3-4 साल हो गए निकाला था, वो भी वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है, कोई भी सहूलत इधर नहीं है। देख सकते हैं आप कि दुनिया क्या कर रही है इधर, अगर पानी होता तो इधर या रोड होती तो इतनी देर तो नहीं आग देती थी, अगर यहाँ कोई जान चली जाएगी तो क्या कौन जवाबदार है यहाँ। चलो और को बोलो जी, कहना है तो सुना।
मेरा जफर की बात, आग तो लग गई है, शायद मेरे ख्याल हो कई तार को शार्ट होने की वजह से या किस वजह से लगी है, लेकिन वो लगी तो है, लेकिन इस वक्त तक तकरीबन 2 घंटे हुए हुए आग को लगे हुए, इस वक्त ना पानी है और ना कोई रोड का साधन है और बहुत दूर दराज एरिया है और जो सिटी के बिल्कुल करीब है, और ये लगने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान की मक्की बाकी पशु शशु सब अंदर जल गए और बहुत लोगों ने बहुत बड़ा तावन किया और जिसकी वजह से तो कुछ ना कुछ अभी कंट्रोल किया आग ने, और पानी जो हमारे पास है वो चश्मे का है, ना कोई पानी का साधन है, इसलिए हम आपकी माध्यम से ये गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें एक रोड सेंक्शन दी जाए और जिसकी वजह से हमारा कोई ना कोई जब कोई होता है कोई तो बहुत बड़ी परेशानी आती है, इस वजह से जो है कि अभी ना कोई पानी का ना रोड का, तो हमारी बात आपसे यही गुजारिश है और आपकी माध्यम से हम ये आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि रोड का बहुत अहम मसला है और जो है कि रोड और पानी का तो है ही नहीं है, लोगों ने अपने घोड़े रखे हैं, घोड़ों पे पानी लाते हैं, एक एक दो दो कहने लाते हैं, उससे आग तो नहीं कंट्रोल होती है, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएं। तो आपने देखा यहाँ हमने जिससे भी बात किया उनका यही कहना है कि सड़क ना होने के कारण जो है ये इतना बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है, पूरा गल जो है अपनी आग ने चपेट में ले लिया और देखते ही देखते अगर हम बात करें तो अंदर जितना सामान था वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। अगर हम बात करें तो ढोकड़ी में इस समय वो गाड़ी जो है फायर ब्रिगेड की वो पहुंची हुई है, पर इस घर तक पानी जो नहीं पहुंच पा रहा है, जिस तरह से बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी है पर इस घर तक पानी की सुविधा जो है नहीं पहुंच पाई है, ना ही पीएचई का पानी हो और ना ही उसके अलावा फायर ब्रिगेड का पानी हो, नहीं पहुंच पाया है। एक चश्मे का पानी जिस तरह से ये बता रहे हैं उसे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और घर को बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मैं उपहार लाने की तुसें गड्डी मुड़ी थी।
मिस्त्री ले गया मिस्त्री लेके फोन करा तेरे मुझे कुछ गया रंबिया कहाँ ले रहा है तू? आओ बड़ी चक्रीपुर बाढ़ बैठे।